शमसी जाफरी सादात का शिजरा। किताब शमसी जाफरी सादात में शमसी खानदान के शिजरे को जिस खूबसूरती से जनाब सैयद गुलाम रसूल शाह शमसी ने तरतीब किया है वो यकीनन काबिले सताइश है। तारीख गवाह है दीन इस्लाम की तरवीज और तबलीग के लिए जिसका बेड़ा खुदा की तरफ से सैयदुल मुर्सलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया था और उनके बाद उनकी आल औलाद ने उनकी सुन्नत मुकद्दस पर अमल पैरा होकर इस कुर्रा अर्श के कोने कोने तक इस पैगाम इलाही को जिस जहाँ निशानी व कुर्बानियाँ देकर वतन से बेवतन होकर मक्तल सजाकर हिजरत करके पहुँचाया है उसकी मिसाल तारीख इस्लाम में नहीं मिलती। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औलाद अली अलैहि सलाम हिजरतों के तसलसल का एक समर सैयद मेहरबान अली शाह शमसी सब्जवारी तबरेजी की सूरत में वादी सिंध को मिला जिनकी रगों में अपने अजदाद की रूहानियत दीन इस्लाम की असल सूरत इल्म की वो रोशनी जो कि दीन खुदा का हकीकी उजाला है रवा दवा है और उम्मत जद्दी की इस्लाह और तमद्दुन से आरास्तगी उनका मकसद हयात है। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह और कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह अपना एक अलग मकाम रखते हैं। हजरत शाह शम्स और कलंदर शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह आपस में चचाजात भाई थे और इन दोनों वलियों की ही मेहनत का समर है जो आज बड़े सगीर में घर घर काजी अब्बास अलमदार अलैह सलाम का अलम बुलंद है। इन शमसी जाफरी सादात ने ही सबसे पहले अलम हजरत अब्बास अलमदार अलैह सलाम को इस बड़े सगीर में लगाने का रिवाज आम किया और अपने अकीदतमंदों को हुक्म दिया कि आप भी ये अलम अपने घरों और चौकों पर नस्ब करें तभी पूरी दुनिया में आपको इतने गाजी अब्बास अलमदार अलैह सलाम के अलम नजर नहीं आएंगे जितने इस बड़े सगीर में मौजूद हैं। शमसी जाफरी सादात की एक और बड़ी खिदमत भी है जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा वो क्या है वो है नारा हैदरी लगाना। ये नारा हैदरी इसी शमसी सादात इन्हीं की मरहून मिन्नत है तारीख गवाह है इन सादात ने सबसे पहले इस बर्रे सगीर में नारा हैदरी यानी सरे आम लगाने का रिवाज आम किया जिसकी वजह से इन पर काफी जुल्म हुआ। आज ये सैयद मेहरबान अली शाह शमसी सब्जवारी तबरेजी इल्म व अमल दीन शनासी और तबलीग इस्लाम की एक अलामत व शनाख्त का नाम है। घर घर शहर शहर इनकी इल्मियत और रूहानियत का शोर और चर्चा है जिस तरह मेहरबान अली शाह ने तारीखी किरदारों की अहमियत और हकीकत को सादा और आसान पैराहन से आरास्ता मुजयन करके इल्मी व आलमी तौर पर पेश किया है यकीनन इनकी मत्थरों मुकद्दस जज ना सिर्फ इनसे राजी और खुशनूद है बल्कि इनकी रहनुमा वो हम सफर भी है। मेरी दुआ है कि मौला करीम मेहरबान अली शाह शमसी को हिम्मत इस्तेहामत अता फरमाए और वो यूं ही कौम की खिदमत करते रहें और अपने हुस्न अखलाक से लोगों के दिलों में सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आशना करते रहें।